नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गाते मोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो तेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अज्ञान तिव्रांधानाम ज्ञानांजलि सलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः देवदेवं जिनं नत्वा अबोधभाव विनाशनम वक्षेहं देशनां कांचित मतिहीनोऽपि वक्तितः प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक समस्त तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करता हूं। गुरु गौतम स्वामी से लेकर अंतिम सुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक आचार्य कुंदकुंज स्वामी तक आचार्य कुलभद्र स्वामी तक बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज तक पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्प दत्त सागर जी महाराज तक समस्त दिगंबर जैन आचार्यों के चरणों में कोटि सहा वंदन नमन नमस्कार करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करता हूं। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य कुलभद्र स्वामी एक साधक की साधना में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है उस बाधा का नाम वे प्रमाद कहते हैं। प्रमाद एक ऐसा दुर्गुण है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा बाधक बनता है। आपने खरगोश और कछुए की दौड़ अर्थात कछुए की जीत की कहानी सुनी कि एक बार कछुए और खरगोश में दौड़ लग रेस लग सबसे पहली बात तो एक बेमेल रेस खरगोश की चाल और कछुए की चाल पहले क्षण में लोगों ने निर्णय कर लिया कि कछुआ हारेगा और खरगोश जीतेगा। लेकिन कहानी कहती है ऐसा नहीं हुआ, जीत कछुए की हुई। क्यों? तेज रफ्तार से भागने वाला कछुआ जैसे ही रेस प्रारंभ होती है वह दौड़ता है और बहुत दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ उसे लगता है यहां तक कछुए को आने में घंटों लगेंगे, मुझे थोड़ी देर लेट जाना है। लेट आए फिर सोचता है अभी कछुए के आने में बहुत देर लगेगी, मुझे सो जाना चाहिए, सो जाता है। इस बीच कछुआ धीरे धीरे चलते हुए अपनी मंजिल में पहुंच जाता है और कछुआ सोया रहता है, सॉरी खरगोश सोया रहता है। खरगोश हार गया, क्यों? प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, निद्रा के कारण कछुआ जीत गया, अप्रमाद के कारण, जागरूकता के कारण, होश के कारण, लगातार चलते रहने के कारण हम जब जब हारे हैं प्रमाद की वजह से हारे हैं प्रमाद के कारण। तो आचार्य कुलभद्र स्वामी उसी प्रमाद को यहां पर विशेष रूप से प्रकट करते हुए कहते हैं ज्ञानम नाम महारत्नम यत्न प्राप्तम कदाचन संसारे भ्रमता भीमे नाना दुख विधायिनी अधुना तत्त्वया प्राप्तम सम्यक दर्शन संयुतम प्रमादम मा पुनः कार्षी विषया स्वाद लालसः। हे आत्मन, अनेक प्रकार के सांसारिक एवं मानसिक दुखों से व्याप्त इस भयानक संसार में
भ्रमण करते हुए तूने ज्ञान रूपी महारत्न को कभी प्राप्त नहीं किया। इस समय यदि किसी पुण्योदय से तुझे सम्यक दर्शन सहित जो यह सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है तो पंचेंद्रीय विषयों में लुप्त होकर प्रमादी मत बन। तेरा सौभाग्य है कि तुझे सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यदि तुम्हारा दर्शन और ज्ञान सम्यक हो चुका है तो अब तुम्हें पंचेंद्री के विषयों में लुप्त नहीं होना चाहिए, रक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए चारित्र को ग्रहण करने में तो प्रमाद मत कर। सम्यक दर्शन तो ग्रहण कर लिया, सम्यक दर्शन के ग्रहण करने के साथ सम्यक ज्ञान भी आ गया, और फिर भी यदि चारित्र नहीं आया ये सिर्फ तुम्हारे प्रमाद की ही परिणति है, प्रमाद ही इसका कारण। आप हम सब प्रमाद से ग्रस्त है, प्रमाद में ही है। जैन शास्त्रों में, जैन ग्रंथों में प्रमाद की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी ही है कि शुभ कार्यों में जो अनुत्साह है उसका नाम प्रमाद, अशुभ कार्यों में जो उत्साह है उसका नाम प्रमाद, शुभ कार्यों में, सदकार्यों में, धर्म कार्यों में अनुसाय का होना, अनादर का भाव होना इसका नाम प्रमाद है, और अशुभ कार्यों में, बुरे कार्यों में, पाप कार्यों में उत्साह का होना, आदर का होना इसका नाम प्रमाद। यदि यह प्रमाद की डेफिनेशन आगम की है तो इस डेफिनेशन के अनुसार तो हम सभी लोग प्रमादी हैं, क्योंकि हमें अच्छे काम करने में मजा नहीं आता और बुरे काम करने के मजे का तो क्या कहना है। गप्पे मारना हो, हंसी मजाक करना हो, आ हू करना हो, आप बिठा लो, घंटों निकाल देंगे। व्यर्थ की बातें करवानी हो आप बोलो तो सही, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर व्यक्ति नहीं बोल सकता, घंटों नॉनस्टॉप चल रहा है लगातार। पर आचार्य कहते हैं प्रमाद है, क्योंकि जहां भी कथा है वहां पर प्रमाद, जहां भी कथा है वहां पर, जहां व्यर्थ की बकवास है वहां, जहां सदकारी से दूरी है वहां पर प्रमाद। तो हमें सदकार्य करने हैं, सत्कर्म करने हैं, शिष्ट कार्य करने हैं, उनमें हमेशा उत्सुक रहना है। सुबह जल्दी उठने के लिए कहा जाए तो एक क्षण में तैयार, नहीं अभी जल्दी क्या है, अभी काम क्या है, थोड़ा और आधे घंटे एक घंटे, आदमी प्रमाद। जल्दी उठने के बाद तुम्हें माला फेरनी है, सामायिक करना है, आपको प्रतिक्रमण करना है, आपको पाठ करना है, इसलिए इसमें उत्साह। जब मन में उत्साह होगा तो जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही खुल जाती है। क्या मन में उत्साह हो धर्म करने का, शुभ काम कर कर्म करने का, स्वतः ही निद्रा भंग हो जाती है, अपने आप नींद टूट जाती है। क्या हुआ? उत्साह। मन में आप रात सोच करके सो जाओ कि मुझे किसी भी स्थिति में 5 बजे उठना ही है, कितने बजे उठना है? 5 बजे उठना है। अब अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आपने अपने आप से कह दिया कि मुझे 5 बजे उठना है,
मैं कल सुबह 5 बजे उठ करके है पाठ करूंगा, माला फेरूंगा, सामायिक करूंगा, एक्सवाइजेड आपने करूंगा, और यदि मैं 5 बजे नहीं उठ पाया तो कल मैं नमक नहीं खाऊंगा। क्या क्या यदि मैं 5 बजे नहीं उठ पाया तो मैं नमक नहीं खाऊंगा, ऐसा सोच करके सो जाए नियम लेकर। मैं गारंटी देता हूं 4:30 बजे उठ जाऊंगा। कितने बजे? 4:30 बजे, और कहो तो 4 बजे, और कहो तो हर घंटे में नहीं खुले, एक मास तो नहीं बनेगा। क्या हुआ? क्योंकि तुमने पहली बात तो मन से कह दिया है कि कल 5 बजे उठना है, और दूसरी बात कह दी यदि बेटा नहीं उठाना तो कल बिना नमक का खाना मिलेगा। अब तो मन रात भर जाग करके तुम्हें टाइम पर जगाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि तुमने कंडीशन इतनी खतरनाक लगा दी है। जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तब प्रमाद भगेगा। यदि मैंने आज ये शुभक्रिया नहीं की और मुझसे नहीं हो पाई, मैं किसी कारण से नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से मैं आने वाली जो अष्टमी है उस दिन मैं उपवास करूंगा निर्जल। यदि ये मेरे किया नहीं हुई तो मैं आप जितना कठोर दंड देंगे आपका प्रमाद आपसे उतने दिन भागेगा। अजय शांति सागर जी महाराज आज आषाढ़ कृष्णा षष्ठी है, उत्तर भारत के अनुसार आज आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्मदिन है, जन्म जयंती है, और कर्नाटक महाराष्ट्र इस प्रांत के हिसाब से 1 महीने बाद जब आषाढ़ कृष्णा षष्ठी आएगी अर्थात चतुर्मास स्थापना के 5-6 दिन बाद जब षष्ठी आएगी तब होता है। एक 15 दिन का अंतर पड़ता है, लेकिन कृष्ण पक्ष देखते हैं तो 1 महीने का अंतर पड़ जाता है, 1 महीने का अंतर हो जाता है। आज बहुत से लोग जो भारत के उत्तर भारत में रहते आचार्य महाराज की आज अपने हिसाब से चाहे स्टेटस लगा के हो, स्टोरी लगा करके हो, फेसबुक में हो, किसी भी प्रकार से अपनी विनयांजलि समर्पित कराए, और हमारी तरफ से कुछ भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं आषाढ़ कृष्णा षष्ठी आज को ही मानता हूं, लेकिन शांति सागर जी महाराज का जो जन्म है वो कर्नाटक की आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के हिसाब से मानता हूं। बोलिए क्यों? हमारे हिसाब से तो श्रावण कृष्णा षष्ठी के दिन जन्मे उत्तर भारत के हिसाब से, क्योंकि जब कर्नाटक में जन्मे है, कर्नाटक में जन्मे है तो यहां पर यदि जन्मे है तो यहां के लोगों ने उसी हिसाब से आषाढ़ कृष्णा षष्ठी लिखा है। हम उत्तर भारतीयों के हिसाब से और श्रावण कृष्णा षष्ठी रही होगी। यदि जो ज्योतिषी को जानते हैं, पंचांग को जानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो संवत विक्रम संवत 1872 का पंचांग देखते हुए उस तारीख को ढूंढे, ताकि एक सही मैसेज समाज में जा सके और सभी लोग उस चीज को समझ सके। तो शांति सागर जी महाराज का प्रसंग आया, इसलिए मैंने उनके आज के दिन को आपको बता भी दिया। बात यह है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जब कोई गलती प्रमाद की वजह से उनसे हो या श्रावकों से हो, मेरे कारण यदि कोई श्रावक ने प्रमाद जनित क्रिया करती है, असावधानी करती है, तो वे श्रावक को दंड ना देकर के स्वयं को दंड देते, स्वयं को दंड देते। ऐसा करने से उनकी चेतना, उनकी आत्मा आने वाले समय के लिए जागृत हो जाती है। और सच्चाई यही है, जितना गहरा दंड आप स्वयं को देंगे हम उतने ज्यादा सावचेत होंगे। हमें सावचेत होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। दंड दीजिए,
जो गलती हमसे हुई है हम गुरु से दंड तो बाद में लेंगे, लेकिन स्वयं इतना कठोर दंड अपने आप को दे कि दूसरी बार वो गलती हमसे भूल से भी ना। अभी गलती होने पर हम दंड क्या लेते हैं और क्या मिलता है? एक माला फिर लेना, दो माला फिर लेना, आदमी के लिए इतना इजी हो गया लगता। कोई भी गलती करो एक माला तो फेरना है, ज्यादा ज्यादा पांच माला देंगे गुरु जी, पांच माला फेर लेंगे आधे घंटे में राष्ट्र पूरा। नहीं, कठोर दंड, जरा सी गलती होने पर भी कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा? बड़ी गलतियां नहीं होंगी, आदमी स्वयं ही अनुशासित रहे, स्वयं ही अपने आप को अपराधी सिद्ध करके अपनी ही अदालत में खड़े होकर के स्वयं अपराधी बने और स्वयं ही जज बन करके पनिशमेंट दे। तो मैं गारंटी देता हूं हमारे भीतर से जो प्रमाद के कारण से अशुभ होता है, पाप होता है, उसमें गिरावट आएगी, उसमें कमी आएगी। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं, हे आत्मन, अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुखों से व्याप्त इस भयानक संसार में। इस संसार कैसा है? यहां पर शारीरिक दुख है, यहां पर मानसिक दुख है, यहां पर पारिवारिक दुख है, यहां पर व्यापारिक दुख है, यहां दुखी दुख है। तो हे आत्मन, अनेक प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक दुखों से व्याप्त इस भयानक संसार में। कब से भ्रमण कर रहे? अनादिकाल से, अनादिकाल से भ्रमण चल रहा है हमारा इस संसार में। और जब से हम संसार में हैं तब से हमने दुखी दुख पाया है। सुख तो नाम मात्र का है, थोड़ी देर कोई हमसे हंस के बोल लेता है तो खुश हो जाते, कोई हमें हंस के खिला देता है तो खुश हो जाते, बस उतने देर का है। उसके बाद यदि उसने हमसे बोला नहीं, हमें देखा नहीं, तो हम दुखी हो जाते। वो जो सुख मिला था उसे दुख बनने में देर नहीं लगती है, एक क्षण में वह दुख में परिवर्तित हो जाता। शारीरिक और मानसिक दुखों के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, लेकिन मन में संताप है, हम पीड़ित है। छू करके देखते हैं तो शरीर तो ठंडा है, लेकिन मन इतना गर्म हो रहा है कि खुद नहीं छू पाते, ऐसी स्थिति जाता है। तो इस भयानक संसार में शारीरिक मानसिक दुखों से व्याप्त भयानक संसार भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, भटकते हुए क्या किया? तूने ज्ञान रूपी महारत्न को कभी प्राप्त नहीं किया। ज्ञान मिला ही नहीं, ज्ञान हुआ ही नहीं, अज्ञान दशा में ही हम जीते रहे। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, बालपने में ज्ञान न रहो। क्या कहते हैं? बालपने में ज्ञान न रहो। उन्होंने तो इतना कहकर के बात खत्म कर दी, अरे बालपने में ज्ञान नहीं लिया तो जवानी में कौन सा ज्ञान आ गया तुमको? जवानी में भी वैसे ही अज्ञान के साथ घूम रहे हो, बुढ़ापे में वैसे ही अज्ञान के साथ ही है। तो इस संसार में भ्रमण करते हुए तुमने ज्ञान रूपी महारत्न को कभी प्राप्त नहीं किया, और जब वह ज्ञान मिला ही नहीं है, ज्ञान हुआ ही नहीं, उसे प्राप्त किया नहीं है। इस समय यदि किसी पुण्योदय से, एक शब्द देखना, इस समय यदि किसी पुण्योदय से तुझे सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान मिला है, प्राप्त हुआ है, पुण्य से ना जाने पाई पाई पुण्य की हमने जोड़ी होगी और उस पुण्य को इकट्ठा किया होगा। जब वो पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, उस पुण्य के कारण से जब हमारे कर्मों का साथ प्रवृत्तियों का उपशम छह छह उपशम हुआ, उपशम छह छह उपशम हुआ, तो सम्यक दर्शन रूपी दौलत के साथ सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। तो आज
आचार्य कहते हैं जब सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तुझे पुण्य के उदय प्राप्त हुआ है तो विषयास्वाद लालसा पंचेंद्रिय विषयों में लुप्त होकर प्रमादम मा पुनः प्रमाद मत कर प्रमाद को छोड़ करके पुरुषार्थ करना है। प्रमाद को छोड़ करके पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने वाला प्रमादी नहीं होता और प्रमादी पुरुषार्थी नहीं होता। उदाहरण की तौर पर जो आलसी होते हैं वो ना नौकरी कर पाते हैं ना धंधा कर पाते हैं, पड़े पड़े खाते हैं सोए और लोगों के घर में ताने जरूर सुनते। क्या सुनते हैं? बाप वाला कहता है काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, पड़ा है इतना बड़ा हो गया। माँ अलग उलाहने देती है, भाई अलग उलाहने देते हैं, सब लोग बोलते हैं कि किस काम का है, किसी काम का प्रमादी के लिए, लेकिन पुरुषार्थी के लिए कोई नहीं कहता। पुरुषार्थी सब लोग कहते हैं अरे भाई ये है तो हमारा घर चल रहा है, सारा काम तो इसने ही कर रखा है, सारे काम तो यही करता है। विचार करो, पुरुषार्थी बनना है प्रमादी नहीं। क्या बनना है? पुरुषार्थी। पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ करो। तुम्हारे भीतर सब कुछ करने की ताकत है, तुम्हारे भीतर सब कुछ करने की ताकत है, लेकिन तुम हो वह नहीं करता। दुनिया में कितने लोग हैं और लोगों के काम को देखो तो हमें लगता हम तो कुछ नहीं करते। जेठ की भरी दोपहरी में हमने लोगों को पत्थर तोड़ती हुई देखी। क्या देखी? पत्थरों को तोड़ते हुए, जिन पत्थरों को छूना भी कठिन है उन पत्थरों को पकड़ करके तोड़ते। कब? जेठ की दोपहरी, हमने लोगों को खून पसीना बहाते हुए देखा। खून पसीना बहाते, किसान खेत में जाता है सुबह 4 बजे 5 बजे अंधेरे में, खेत में कीचड़ है, कीचड़ में घुस जाता है, उन पत्तों से हाथ पैर छिलते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। कितना पुरुषार्थ करते हैं तब जाकर के अनाज मिलता है, तब जाकर के फसल पुरुषार्थ है। हम सोचे कि हम प्रमाद के साथ जीवन जीते रहे और सुख की फसल काटते रहे, इम्पॉसिबल है। जो पुरुषार्थी होगा वही सुख की फसल काट सकता है। यदि आपको हमको आत्मा का सच्चा सुख चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के लिए भी पुरुषार्थ करना है, अर्थ के लिए भी पुरुषार्थ करना है, काम के लिए भी पुरुषार्थ करना है और मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के ना संसार का सुख मिलता है और ना मोक्ष का सुख मिलता है, ना धन का सुख मिलता है ना धर्म का सुख मिलता है, दोनों नहीं, चारों के 4 पुरुषार्थ करने के बाद ही हमें सुख मिलता है। 2 पुरुषार्थ संसार का सुख देते हैं तो 2 पुरुषार्थ परमार्थ का सुख देते हैं। अर्थ और काम पुरुषार्थ से संसार का सुख मिलता है तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से परमार्थ का सुख मिलता है। संसार के सुख के लिए तो तुम बहुत मेहनत करते हो, संसार के सुख के लिए तुम बहुत मेहनत, सुबह से लोग मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं, दुकान वाले सुबह 8 बजे उठ करके चले जाते हैं, ऑफिस वाले सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, फैक्ट्री वाले सुबह जल्दी उठ करके चले जाते हैं, सब लोग काम में लग गए। इसके लिए अर्थ पुरुषार्थ इतना कर रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ के लिए इतना कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
अपने घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर भी जाकर के कर लेते लोग। मैं गुजरात में था, पता लगा कोई भरूच से सूरत जा रहा है, कोई भरूच से अहमदाबाद जा रहा है, डेली अपडाउन कर रहे हैं अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद डेली अपडाउन करना 150-200 किलोमीटर दूर, लेकिन रोज सुबह डबल ट्रैक का ट्रेन में बैठते हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां काम करते हैं, वहां से फिरते हैं, सुबह निकल जाते हैं 5 बजे, रात को आते हैं 10 बजे 11 बजे। अर्थ के पुरुषार्थ में इतना पुरुषार्थ, अर्थ के लिए इतना पुरुषार्थ में सुबह से शाम तक, फिर भी संतुष्टि नहीं है। और धर्म के लिए क्या करें, मंदिर जाने का वक्त नहीं है लोगों के पास, भगवान को 2 मिनट हाथ जोड़ करके धन्यवाद देने का वक्त नहीं है लोगों के पास, एक आरती गाने का वक्त नहीं है लोगों के पास, एक माला फिरने का वक्त नहीं है लोगों के पास। विचार करें और कहते सुख चाहिए, अरे धन के लिए इतना पुरुषार्थ करते हो तब तुमको थोड़ी सी सुविधा मिलती है, धर्म के लिए थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करोगे तो इतना सुख मिलेगा। धर्म के लिए पुरुषार्थ करने वाले को सुख मिलता है और धन के लिए पुरुषार्थ करने वाले को सुविधा मिलती है। काम के सुख का लिए सुख, संसार के सुख, इंद्रिय के सुख के पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ करने वालों को काम का सुख मिलता है, और आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने वालों को, आत्मा के सुख के पुरुषार्थ करने वालों को राम का सुख मिलता है। काम का सुख चाहिए, राम का सुख चाहिए। काम के सुख का मतलब इंद्रिय सुख, राम का सुख मतलब अतिंद्रिय सुख है। तो कहते हैं धर्म और मोक्ष के लिए प्रमाद मत कर, जिस तरह से तू हे आत्मन, जिस तरह से तू अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ करता है, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता है, ठीक उसी तरह यदि तू धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने लगे तो तुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए, अखंड सुख की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष सुख की प्राप्ति। तो साथियों, आचार्य कुलभद्र स्वामी के साथ हमें इस बात को अच्छे तरीके से पढ़ना है। वे हमसे कह रहे हैं कि मां प्रमादम मां पुनः, फिर से प्रमाद मत कर, तुझे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है और अब तू फिर प्रमाद कर रहा है, और यदि एक बार यह हो गया, एक बार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान छूट गया तो ना जाने कितने जन्मों तक तुझे संसार में परिभ्रमण करना पड़े। भले शास्त्रों में लिखा है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के बाद सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन है क्या, ये भी अनंत काल है। ये भी क्या है, अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है, बहुत लंबा समय है। एक बार सम्यक दर्शन छूट जाए तो उसे प्राप्त करना सहज नहीं होता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने में प्रमाद मत करिए। बस यही समझदारी है, इस समझदारी के साथ जियोगे तो आप इस मनुष्य जन्म का फल प्राप्त कर सकोगे। आप लोगों ने सुना है, अनुग्रहित उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप चारित्र के पालन करने में, चारित्र को धारण करने में प्रमाद नहीं करेंगे। भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव शास्त्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। किसी को कोई प्रश्न है, हैंड रेज का ऑप्शन दबाइए। लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है, हम
उनको पूछना है लेकिन उनको आ नहीं रहा। दो मिनट में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का प्रवचन वैशाली से होने वाला है, सभी बने रहिए। सभी को जय जिनेंद्र।